अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। नुमेरियस फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं अनासर हैं मुतासर करते हैं। दीज फैक्टर्स कैन बी कैटेगराइज इन टू वेरियस डोमेंस। और ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम कई तरह की काफ़ी डोमेंस में जो है ना इनको तकसीम करते हैं, इनकी दर्जाबंदी करते हैं, इंक्लूडिंग द टीचर द स्टूडेंट द करिकुलम, जिसमें शामिल हैं उस्ताद और तालिब इलम और निसाब करिकुलम, द लर्निंग इन्वायरमेंट और जहाँ और स्टडी होती है, जहाँ हमारी एजुकेशन टेक प्लेस होती है, लर्निंग प्रोसेस जो होता है जहाँ वाक़ होता है वो इन्वायरमेंट, एंड ब्रॉडर सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस और जो माशरे के तासरात हैं, ठीक है, वो इनमें शामिल हैं फैक्टर्स में। लेट अस डिस्कस। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। अब टीचर से रिलेवेंट जितने फैक्टर्स हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। टीचिंग मेथड द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड बाय द टीचर कैन ग्रेटली इम्पैक्ट स्टूडेंट लर्निंग। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज मीन्स की टीचिंग मेथड पढ़ाने के जो तरीके हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, वो जो टीचर लागू करता है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स। अ टीचर्स एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट स्टूडेंट कैन कम्प्रीहेंड इज क्रूशियल। अब सेकेंड नंबर पे कहा गया है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, टीचर की लेक्चर डिलीवर करने की जो स्किल है, जो बोलने की स्किल है, टीचर की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं पाया जाता है, टीचर जो है अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकता, अपने मैसेज स्टूडेंट्स तक डिलीवर नहीं कर सकता, तो जाहिर है उसका लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग प्रोसेस है वो भी कामयाब नहीं होगा। इसलिए उसमें कम्युनिकेशन की जो अच्छी स्किल है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है, ताकि स्टूडेंट्स उसके लेक्चर को, उसकी बात को अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट, सब्जेक्ट नॉलेज। अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इनेबल्स टीचर्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशंस। अब थर्ड नंबर में बताया गया है कि जो सब्जेक्ट का नॉलेज है, मीन्स के जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उससे रेलिवेंट टीचर को नॉलेज होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर उसको अपने सब्जेक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, तो वो हर कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है, और स्टूडेंट्स को अच्छी तरह क्लियर कर पाएगा, एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन कर पाएगा हर टॉपिक की। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन। स्टूडेंट्स हु आर मोटिवेटेड आर मोर लाइकली टू बी इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस। मोटिवेशन कैन बी इंट्रेंसिक आर एक्सट्रेंसिक एंड प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन एकेडमिक सक्सेस। अब स्टूडेंट्स से रेलिवेंट जितने फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे पहले क्या आता है, मोटिवेशन आता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्पेक्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उस पर असरअंदाज होता है। अगर स्टूडेंट में मोटिवेशन है, ठीक है, तो वो लर्निंग प्रोसेस में कामयाब होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होंगे। और मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक अंदरूनी होती है, एक बैरूनी होती है, जो कि उनके एकेडमिक सक्सेस में, एकेडमिक अचीवमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट, पर्यर नॉलेज। स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसिस शेप देयर एबिलिटी टू ग्रेस्प न्यू कॉन्सेप्ट। सेकेंड नंबर में बताया गया कि जो स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी नॉलेज है उस फील्ड से रेलिवेंट, जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, ठीक है, वो उनको नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए जो तसव्वुरात हैं, जो नए नए टॉपिक्स हैं, उनको सीखने में उन पर गिरफ्त हासिल, मतलब उनको अच्छी सी समझ आ जाती है उन कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, उनकी जो एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने की जो एबिलिटी है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है, जो ऑलरेडी उनके पास नॉलेज होता है, जो उनका एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट, लर्निंग स्टाइल्स। इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। हर स्टूडेंट का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है और एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होते हैं हर स्टूडेंट के। टीचर शुड एम्प्लॉय अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। तो इसलिए जैसा हर स्टूडेंट का अपना अपना सीखने का तरीका है, तो टीचर को भी चाहिए कि वो काफ़ी तरह के जो टीचिंग मेथड्स है, ठीक है, वो यूज़ करे, ताकि हर इनफरादी स्टूडेंट्स की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा सके। ये नहीं है आधे स्टूडेंट्स जो है ना हमारे जो है ना इंटेलिजेंट हैं, तो टीचर ऐसा मेथड यूज़ करे कि उनको तो समझ आ जाए, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं तो मीडियोकर होते हैं, उनको समझ ना आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा टीचिंग मेथड, ऐसा अपना स्टाइल यूज़ करे कि हर स्टूडेंट्स की जो इंफरादी ज़रूरियात हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए। कोई स्टूडेंट ऐसा क्लास में ना रहे कि उसको उसकी समझ ना आए या उसकी ज़रूरियात पूरी ना हो, कोई स्टूडेंट्स इग्नोर नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्पेशल नीड्स। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इंफरादी जो इख्तलाफात होते हैं उसमें सबसे पहले है स्पेशल जो नीड्स होते हैं, जो ज़रूरियात हैं। स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड लर्निंग डिसबिलिटीज़ में रिक्वायर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब जो स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं, मीन्स के कुछ मौजूद भी होते हैं क्लास में, तो उनको जो है ना मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो टीचर को इन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और उनकी एबिलिटीज़ देख लेनी चाहिए, कौन सा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और कौन सी डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकंड, पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज फैमिली सिचुएशंस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड हेल्थ कैन इफेक्ट आर स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फोकस ऑन लर्निंग। अब सेकेंड नंबर पर जो कहा गया है वो कहा गया है कि ज़ाती जो हालात होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए जैसे कि फैमिली इश्यूज हो गए और फैमिली का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो आमदनी है, जो इनकम है, या फिर कोई सेहत का जो इशू है, ये भी स्टूडेंट्स की एबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। जब वो सीख रहा होता है, जब वो लर्न कर रहा होता है, उसकी एबिलिटी को असरअंदाज, सीखने की एबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं ये सारे फैक्टर्स। नेक्स्ट, करिकुलम रिलेटेड फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रेलिवेंस, अपने हिसाब से रेलिवेंट जितने फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेलिवेंस, द करिकुलम रेलिवेंस टू स्टूडेंट्स लाइफ एंड फ्यूचर नीड्स कैन इम्पैक्ट देयर इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। सबसे पहले जो आप करिकुलम पढ़ा रहे हैं वो रिलेट करता हो स्टूडेंट्स के उस सब्जेक्ट से, ठीक है, स्टूडेंट्स की जो लाइफ हैं उनसे, और स्टूडेंट के जो मुस्तकबिल की ज़रूरियात हैं उनसे। तो अगर ये रेलिवेंस होगा तो ये चीज़ क्या करेगी, ये उनकी इंटरेस्ट पर और उनके मशगूल होने पर असरअंदाज करेगी, वो ज़्यादा सीखेंगे, इंगेज होंगे, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट, क्लियरिटी, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लियर करिकुलम फैसिलिटीज अंडरस्टैंडिंग सिक्वेंशियल एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट कैन एड इन कम्प्रीहेंशन। अब सेकेंड नंबर पर क्या है, क्लैरिटी, कि आपका जो करिकुलम है, जो आपका सिलेबस है, जो कोर्स आउटलाइन, जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आपकी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, वो क्लियर होना चाहिए और अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है, और स्टूडेंट्स के आई क्यू लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाइए। आपने डिफ़िकल्ट जो है ना उसमें वर्डिंग का यूज़ नहीं करना, आपका जो कंटेंट है वो ईजी हो, अंडरस्टैंड एबल हो हर स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, अब जो सकाफत है, जो उसके तासुरात हैं, उनकी वजह से असरअंदाज होती है लर्निंग पर, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर डाइवर्सिटी, द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन इफेक्ट कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब टीचर और स्टूडेंट का जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है, जिस तरह के बैकग्राउंड से होते हैं, जो उनकी सकाफत होती है, वो भी असरअंदाज करती है उनकी कम्युनिकेशन पर, उनकी समझ फहम पर, ठीक है, उनके अंडरस्टैंडिंग पर। नेक्स्ट, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड एजुकेशनल पॉलिसीज में शेप करिकुलम एंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज। अब जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे निसाब को शेप देती हैं और हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज होती हैं उनको शेप देती हैं, ठीक है। ये पॉलिसीज बहुत अहम किरदार अदा करती हैं हमारे करिकुलम की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, लर्निंग इन्वायरमेंट, अब जहाँ पर स्टूडेंट सीखता है, जहाँ लर्निंग टेक प्लेस होती है, ठीक है, तो उसमें कौन से अनासर होते हैं, हम उनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासरूम क्लाइमेट, अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कैन फोस्टर लर्निंग फैक्टर्स सच एज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कोलाबोरेशन एंड अ सेंस ऑफ सेफ्टी कंट्रीब्यूट टू अ कंडसिव लर्निंग एटमोसफियर। सबसे पहले जो आपका क्लासरूम है, जो उसकी एनवायरनमेंट है आपकी लर्निंग का, आपकी टीचिंग प्रोसेस में, वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आपने ऐसी जगह टीचिंग करनी है, आपका जो क्लासरूम है वो सेव हो, ठीक है, शोर भी ना हो, ठीक है, और पुरसकून हो, ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएँ। और क्लासरूम में जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ठीक है, और कोलाबोरेशन, जो भाई में तावन है, और जो सेफ्टी या तहफ़ है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इन्वायरमेंट के क्रिएट करने में अहम किरदार अदा करती हैं। और लर्निंग जो प्रोसेस है, ठीक है, और जो लर्निंग पॉजिटिव लर्निंग एटमोसफियर है, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है, उस पर असरअंदाज होती हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो टीचिंग है, वो कामयाब होगी, स्टूडेंट्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाएंगे, ठीक है, और मोटिवेट भी होंगे, इंटरेस्टिंग भी होंगे, इंगेजमेंट भी होगी। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी कैन इन्हांस द लर्निंग एक्सपीरियंस। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसा कि टीचर मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है,
इस तरह के टूल्स डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ना लर्निंग प्रोसेस में क्या करती है, लर्निंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करती है, ठीक है, और स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को भी बढ़ाती है और उनकी जो लर्निंग है उसको ईजी भी बनाती है। क्योंकि जब वो खुद आंखों से देख रहे होते हैं, जब वो ऐसी चीज़ें मीन्स कि टीचर जैसा कि साइंस में अक्सर वो कुछ मल्टीमीडिया पे लगा देते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं फिर उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियोज़ को दिखाते हैं इस तरह, तो उनकी लर्निंग इंक्रीज़ होती है। असेसमेंट एंड फीडबैक। फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट क्या हो गया, हम जैसा कि टीचर एक पढ़ाता रहता है लास्ट में जाके या ड्यूरिंग लेक्चर वो असेसमेंट करता है कि स्टूडेंट्स कितना सीख गए हैं, क्या उसकी टीचिंग कामयाब हो रही है, क्या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल हो रहे हैं। ड्यूरिंग लेक्चर जो असेसमेंट करता है वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जो लेक्चर के लास्ट में मीन्स कि सेमिस्टर के लास्ट में जो करता है, जैसे कि मिड टर्म हो गया, फाइनल टर्म हो गया, तो हमारा मिड टर्म हो गया हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो हमारा फाइनल टर्म है एट द एंड वो हो गया समेटिव असेसमेंट। तो इस तरह वो असेस करता है। असेसमेंट मेथड्स द वे स्टूडेंट्स आर एक्सेस्ड कैन इम्पैक्ट देयर लर्निंग, जिस तरीके से वो स्टूडेंट की असेसमेंट करता है वो भी उसकी लर्निंग पर असरअंदाज होती हैं। अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट मेथड्स फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट शुड बी यूज्ड। टीचर को चाहिए कि वो काफ़ी तरह के जो असेसमेंट मेथड हैं वो यूज़ करें, जिनमें फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट भी शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स ऑन देयर प्रोग्रेस एंड द आइडियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। अब एक अच्छा फीडबैक जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है वो होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट्स को अपनी खामियों का पता चलेगा। जब टीचर स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि उनके इतने मार्क्स हैं, उनके ये मिस्टेक्स हैं, देन स्टूडेंट अपने मिस्टेक्स पर फोकस करेंगे, जो एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ जहाँ इम्प्रूव करनी होगी वो उन पर फोकस करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इस तरह फीडबैक भी असरअंदाज होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर। अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ अ मोर इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। अब इन तमाम अनासर की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारे जो इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। इनको इन फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर प्ले क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग दैट दीज फैक्टर्स आर कंसीडर्ड एंड मैनेज अप्रोप्रिएटली। अब टीचर को एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं जो रन करते हैं टीचिंग लर्निंग इन इंस्टीट्यूट्स वगैरह को, पॉलिसी मेकर जो होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये अहम किरदार अदा करते हैं, इस बात की यकीनी बनाते हैं कि ये जो तमाम अनासर हैं उनको उन पर गौर किया जा रहा है, उनको मुनासिब तरीके से मैनेज किया जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। जज़ाकअल्लाह फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।